और मैं आपके साथ शगुफ्ता अंसारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड का एक ऐसा चेहरा जो उत्तराखंड राजनीति में एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहा है। जी हाँ, ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराएंगे, उनसे मुलाकात कराते हैं। उत्तराखंड के एक ऐसे सैनिक जो दो बार एवरेस्ट के विजेता भी रह चुके हैं और साथ ही केदारनाथ एवरेस्ट से भी उनका नाम जुड़ा है और साथ ही उन्हें भोले के बेटे भी कहा जाता है। तो मौजूद है हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अजय कोटिया जी। सर, सबसे पहले आपका एवन न्यूज में स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की हुई है, क्या आपको कांग्रेस और भाजपा की उपलब्धियां कम लगी? ऐसा कोई स्पेसिफिक तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जैसे मैं एक फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने आर्मी छोड़ी क्योंकि मेरे को लगा कि कई लोगों की एक्सपेक्टेशन है मेरे से। दूसरा, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो कहीं नौकरी के दौरान रहा है वो आज अगर पहाड़ों में मैं ट्राई करूँ तो मैं एक कामयाब मॉडल बना सकता हूँ जिसमें कि उत्तराखंड में जो एक्सपेक्ट करा जाता है कि 20 साल पहले जो प्लान था, सोच थी, उसे कैसे आगे लेके चला जाए। उदाहरण है, यू फाउंडेशन ने बना रखा है केदारनाथ पुनर्निर्माण, जैसे आपने बोला बोलेगा बेटे नहीं बोलेगा फौजी कैसे करें, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें मेरे को दिखा एक समझदार पार्टी, जिसमें एक पार्टी जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस है, वो चाहे दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में केंद्र दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली एज अ स्टेट है, तो एक नॉर्मल जैसे एक स्टेट होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से गवर्न कर रहे हैं। उनकी जो ज़रूरतें हैं दिल्ली की या जो दिल्ली में उन्होंने कामयाब करके दिखाया है, वो जरूरत आज उत्तराखंड की है। अगर वो जरूरत उत्तराखंड की है तो फिर हमें क्यों नहीं उस पार्टी को ज्वाइन करके जो कि साथ में आपको छूट देती है, यानी कि फैसले मेरे ऊपर से आएंगे, फैसले अपने आप जमीन में देखो क्या जरूरत है, उसके हिसाब से अपने प्लान बनाओ और उसके बाद में जो सपोर्ट चाहिए, एडवाइस दिए, गाइडेंस दिए, वो सब वो प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी बड़ी मतलब आपने कहा कि ये दिखाना है कि आप एक पार्टी से जुड़े हो और कुछ नहीं कर सकते हो ग्राउंड में, तो आप कोई भी राजनीतिक बड़ी पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर आपने ग्राउंड में करना है, प्रूव करना है कि राजनीति मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं कहीं उत्तराखंड की तरक्की, उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दे सकूँ, फिर तो आम आदमी पार्टी जैसी ही पार्टी को ज्वाइन करना है। सर, आपने नव निर्माण की बात की, अभी तक उत्तराखंड के जो निर्माण हुए हैं उसमें आपको क्या क्या ऐसी खामियां नजर आई जो आपने नव निर्माण की बात की? इन चीज़ों को ना खामियां बोलें या क्या बोलें, मतलब मैं याद है मेरे को जब उत्तराखंड को सेपरेट करा गया था यूपी से, तो तब हम लोग माउंट एवरेस्ट जा रहे थे। यह है सन 2000 की बात, नवंबर। तो मेरी ऐसी इच्छा थी, मैं दिल्ली में था क्योंकि हमारी टीम सेलेक्ट हो रखी थी 1.5 साल के सिलेक्शन रिजेक्शन के बाद में, तो मेरी इच्छा थी कि जब उत्तराखंड आज डिक्लेयर हो रहा है एक सेपरेट स्टेट, तो मैं कैसे दिल्ली से चल करके पहुंचूं और किसी ना किसी जगह पे उत्तराखंड की जमीन पे उस टाइम पे हूँ जब ये डिक्लेरेशन हो रहा हो। तो मैं चला था रात को वहाँ से शाम को दिल्ली से बस में, बड़ी अच्छी बसें चलती थी उस टाइम पे, ट्रैफिक इतना था नहीं। मेरे को याद है मैं डाट की देवी जो टनल है वो क्रॉस करी थी, तो मेरे को ना अंदर ही अंदर रोंगटे खड़े हो जाते, आज उत्तराखंड एक नया स्टेट बन रहा है। तब तो उत्तरांचल बना था, अब 20 साल के बाद में मैं देखता हूँ कि जो मेरी भी इच्छाएं होती थी कभी, वो तो कहीं पर भी नहीं आ रही है ठीक तरीके से सामने दिखने में। इसका मतलब हमें से खामियां नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दोबारा 20 साल पुराने चलते हैं मॉडल पे, उस टाइम पे क्या सोच बनाई थी सरकार ने, पॉलिटिशियंस ने कहाँ पे वो गड़बड़ी कर गए, और उस टाइम पे जब गड़बड़ी करी मान लो 4 साल के बाद और उस टाइम पे उन्होंने करेक्शन नहीं करा, उसी टाइम पे करेक्शन करते तो शायद आज चीज़ें ग्राउंड पे दिखाई देती। तो हमें तो वो करना है, इसलिए उसे हम नव निर्माण बोल रहे हैं। नव निर्माण का मतलब कि हम टेक्निकल तरीके से समझदार इंसान की तरीके से लोगों से समझ करके, और जिन्होंने उस टाइम पे आंदोलन में हिस्सा लिया था वो इनिशियल जिन्होंने नींव खड़ी करी थी उनसे समझ करके इस प्रोजेक्ट को आराम से कामयाब बनाएंगे। सर, तो 2022 में चुनाव है, उसकी आपकी क्या तैयारी है? देखो, नव निर्माण है उत्तराखंड का, वही सारी जो आज मैं कह रहा हूँ, जो 2000 जब आजाद हुआ था, आजाद मतलब सेपरेट हुआ था उत्तराखंड, उस टाइम पे जो सोच थी उसको लेकर के हमें आगे चलना है। अगर उसको ग्राउंड पे हम कर सके उन प्रोजेक्ट्स को, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बेस की भी जरूरत है। हमारी तैयारी है कि हम हर मॉडल को कामयाब होते हुए दिखाएंगे पहले, उसके साथ में 2022 में उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, फिर 70 सीटों पर लड़ेंगे और उसके बाद
अगले 5 साल और ज्यादा टीमों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नए युवाओं को लाएंगे, युवाओं को अगर डायनेमिक हम समझते हैं तो ये जरूरी थोड़ी है इंडियन आर्मी में बिजनेस, ये जरूरी थोड़ी है उनको इंजीनियर बनाना है, ये जरूरी आपके लिए अच्छे जर्नलिस्ट बनाना है, उनको पॉलिटिक्स में भी लेके आना है, लेकिन समझा करके कि पॉलिटिक्स की परिभाषा क्या होती है। तो सर आपको लगता है आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी? 19 अप्रैल को मैंने ज्वाइन करा था, उसका लॉकडाउन हो गया, आज की तारीख में कोई 1000 ये अपना आम आदमी पार्टी के यूथ वॉलंटियर्स, सीनियर जो वॉलंटियर्स हैं, महिलाएं हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, वो सब मिलके कोविड वॉर जो आज चल रहा है पहाड़ों में उससे लड़ने की एक तरतीब बार एक सिस्टम से प्रोसेस को कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं काम करने के तरीके को तो क्यों नहीं लोग चाहेंगे कि ये वाली जो पार्टी है जिसको जानकारी भी है, जिसमें खुद अजय कोटियार उनके सामने आ रखा है, तो वो क्यों नहीं उसको लेकर के आना चाहेंगे, आप उसको वोट देंगे? जो अच्छा काम करेंगे हम उसे वोट देंगे। तो 2 महीने के बाद में दोबारा इंटरव्यू लेने आना और मेरे को बताना कि लोग आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या वे वाकई में तरक्की वाली बात करते हैं या दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं। तो सर अभी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी में आपको मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा है, जिसको देखते हुए आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी, इस पर आपका विचार क्या है? देखो ये चेहरा वगैरह ना ये सब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इवेंट होते हैं। अगर एक टीम ने सोच रखा है कि हमने उत्तराखंड का नव निर्माण में मिलकर के एक साथ योगदान देकर के उस कामयाबी में पहुंचना है, तो हम सबको ना एक हायरार्की बना करके, एक तरतीब को समझ करके, एक उसको टेक्निकल तरीके से फेज वाइज आगे बढ़ा करके लेकर के चलना है। मैं जैसे जब आर्मी मैंने ज्वाइन करी है तो उससे पहले ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर बनने से पहले ट्रेनिंग देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी, उसमें से हम कोई 350 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए थे और ऑफिसर बने थे। मैं इन्फेंट्री में गया था, कोई आर्टिलरी में गया था, तो फौज की क्या ट्रेनिंग है, जिस दिन युद्ध होगा हम जाकर के बोल बद्री विशाल लाल की जय और अटैक करेंगे या कहीं डिफेंस में बैठेंगे, तो उसमें जरूरी नहीं है कि खाली गोली चलाने से मतलब एक सक्षम फौज बनती है। मैं पैदल सेना हूँ, मैं पैदल चलूँगा इन्फेंट्री, मेरे को सपोर्ट करने के लिए टैंक होंगे, मेरे को और सपोर्ट करने के लिए आर्टिलरी होगी, मेरे पास राशन पानी आना चाहिए तो सप्लाई बोर होगी, कोई बीमार होगा तो मेडिकल बोर होगा, कपड़े लगते हैं हथियार एमुनेशन तो मेरे पास ऑर्डिनेंस होना चाहिए, वहाँ पे कहीं ये अपने डॉग्स होते हैं मिलिट्री डॉग्स जो माइंड फील्ड चेक करते हैं, तो ये अपना RBC होना चाहिए। ये सारे के सारे मिल करके जब एक बनते हैं और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं नौकरी के दौरान, तो ये थे पहले 350 अलग अलग नए थे, लेकिन इन्हीं में से एक बनता है चीफ आर्मी की, जैसे जनरल बिपिन रावत थे पहले, अब जनरल नरावने, वो जो है चीफ, उसे हम पॉलिटिकल भाषा में बोलेंगे उत्तराखंड का चेहरा मुख्यमंत्री। चलने देते हैं, अभी अपनी सब योगदान करते हैं अलग अलग तरीके से, जब इलेक्शन ग्राउंड पे एक्चुअली कंटेस्ट करने की बात आएगी उस टाइम देखेंगे, अभी तो नव निर्माण की नींव को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सर ये जो कोविड के लिए आपने अस्पताल बनवाया है, इसमें आपके और क्या क्या योजनाएं हैं? देखो क्या है कि हमने कहीं पर देखा किसी एक ग्रुप ने कोविड के टाइम पे कोशिश करी 20 बेड का ऐसा सेटअप बनाने के लिए जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को मिल सके। अब कई पेशेंट हैं जब कोविड हो जाता है उसका रिकवरी का टाइम होता है, पोस्ट कोविड रिकवरी, तो वो अगर हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाए तो नया जो सीरियस है ना वो हॉस्पिटल में आ सकता है। तो वो जो सेटअप किसी ने बनाने की कोशिश करी उसको अप्रूवल नहीं मिली, तो मेरे को लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि आज इतना बड़ा ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसने हमारे इस पैंडेमिक ने हमारे को पूरा हिट कर रखा है, और सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको मैं देख रहा था जज्बे के साथ मेहनत कर रहे थे, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं ऐसा तरीका तो बन सकता है कि हम इनको सपोर्ट करें। उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझदार हूँ, मेरे को आता है नोटिंग शीट कैसे बनाते हैं, मेरे को पता है प्रपोजल में क्या क्या सपोर्ट होना चाहिए, हमने बनाना शुरू करा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको हमें अप्रूवल दे दी, इसे पहली बार ऐसा केस हुआ है पूरे उत्तराखंड में, कि कहीं और पर भी हुआ होगा, उत्तराखंड में इस बार उस हॉस्पिटल को अप्रूवल दे दी। अब उस हॉस्पिटल से क्या एडवांटेज हुआ, एक तो हमने सरकार का जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करा, दूसरा लोगों को हमने भरोसा हुआ कि हम जो प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस ना अच्छी होगी, उसको देखते हुए फिर हमने पहाड़ों में ये जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था यूथ, इनकी टीम बना करके ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि एक सीनियर के अंडर 4 जूनियर, उसके अंदर 6 जूनियर, उसके अंदर 4 जूनियर,
हो जाएंगे हर गांव में, हर घर में, और घर में हर इंडिविजुअल को चेक करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर से उसका पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, दूसरा जो बगैर टच करे हुए जो इंफ्रारेड गन होती है उससे उसका टेम्परेचर, उसको डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, समझाएंगे उसको कि हाँ आज आपको बुखार नहीं है, लेकिन बीच में दोबारा से अगर चेक करना होगा तो ये पल्स ऑक्सीमीटर और ये थर्मामीटर फलाने के घर में, जिसके घर में रखा हुआ है उसी गांव में जाओ, जाके चेक करो, और अगर लगता है कि ज़रूरत है तो हम आसपास घूम रहे हैं, उनको बताना, हम आएंगे, हम आपको ज़रूरत है तो आइसोलेशन सेंटर में ले जाएंगे, उसके लिए आइसोलेशन सेंटर बना दिया हमने, ज़रूरत है आइसोलेशन सेंटर से नीचे तो उनको लेकर के नीचे आएंगे। तब ऐसा सेटअप जो है वो लोगों को क्यों भरोसा आया हम पे कि जो हम चला रहे हैं सेटअप उसको सही तरीके से देखो, उन्होंने कहा देखो इन्होंने तो हॉस्पिटल भी बना दिया, जब हॉस्पिटल इतनी बड़ी चीज़ बना दी है तो छोटी चीज़ें कौन सी मुश्किल है, लोगों का यकीन और बढ़ गया। तो ये एक तरीका है जिसमें ना पहले तो कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करना है, सब लोग चाहते तो हैं कि हमें मेडिकल सपोर्ट मिले लेकिन उम्मीद नहीं करते ये सपोर्ट यहाँ आ पाएगा। आप गाँव में देखो आशा वर्कर आंगनबाड़ी की जो महिला है उनसे मिलो, उनकी आंखों में ना देख के लगता है कि मतलब वो अपने गांव के बारे में विचार रखती हैं, किसी बारे में बात करो उनको सारी जानकारी होती है, खाली मेडिकल हेल्थ रिलेटेड नहीं और भी कई चीज़ें होती कि फलाने के घर में वो बकरी थी, वो बकरी गई थी गांव में उसको बाघ ने मार दिया और उसके बाद अकेली बकरी थी, तो वो सब जगह ना चर्चाएँ भी करती है। अगर ये सब चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं तो इसीलिए तो आ रही है क्योंकि लोगों को हम पे भरोसा है, ऐसे हॉस्पिटल ऐसे यूथ फाउंडेशन जो हमने बनाए थे, केदारनाथ पुनर्निर्माण करा था, तो ये ना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसे बोले के उत्तराखंड के नव निर्माण की छोटी सी शुरुआत करने का एक बड़ा स्टेप। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें कीमती वक्त देने के लिए। तो देखा आपने हमारे साथ एक्सक्लूसिव पे रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल जी को, तो देखते हैं कि उत्तराखंड में 2022 में आम आदमी पार्टी कितने पैर पसारती है। तो दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एवन न्यूज, नमस्कार। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वेदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाने लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।